कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य रामायण महाभारत और कृष्ण के विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें पद संचालन और आकर्षित मुद्राओं का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है। ब्रज की रामलीला से मिलते कथक नृत्य के दो मुख्य अंग हैं, जिन्हें तांडव और लास्य नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाकाल ने रौद्र रस प्रधान नृत्य किया था, जिसे तांडव कहा गया। दूसरी ओर त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान शिव पार्वती ने श्रृंगार रस प्रधान नृत्य किया, जिसे लास्य कहा जाता है। कथक अपने बेहतरीन फुटवर्क यानी पैरों की भागीमाओं, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पदांत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कथक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक ही बोल को अलग अलग भावों और हाथों के खूबसूरत घुमाव के जरिए दिखाया जाता है। कथक शब्द का मतलब कथा को थिरकते हुए कहना है। धन्यवाद।